तो दोस्तों आपसे एक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। रीट एग्जाम डेट को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। हमारे जितने भी कैंडिडेट रीट एग्जाम डेट 2021 का वेट कर रहे थे उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 31,033 बड़ी शिक्षक भर्ती पर आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो भी अपडेट आ रही है रीट एग्जाम को लेकर आप सभी को आज की इस वीडियो में बताएंगे हम लोग। और आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना उन सभी कैंडिडेटों पर जो रीट का एग्जाम देने जा रहे हो 25। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का बटन होता है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए रीट के एग्जाम डेट को लेकर आप सभी तक सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट पहुंचा दी जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं जो रीट की तैयारी स्टार्ट करती हैं, और देखिए यहाँ पे तैयारी करने का एक सही डायरेक्शन में तैयारी करने से आप लोगों को लाभ मिलेगा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन तैयारी के लिए और 1 दिन टेस्ट दीजिए संडे वाले दिन। और आप सभी के लिए फ्री टेस्ट अनअकैडमी ने लॉन्च कर दिए हैं। साबलू सर यहाँ पे हर संडे आप सभी को 4 PM को एक टेस्ट लेंगे। फतेह रीट 2021 सफलता बस एक कदम दूर, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एवरी संडे। और आप लोगों को वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल करा देंगे, उस पर क्लिक करके और एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा आपको, Abhay-10, ठीक है, Abhay-10 Abhay-10 कोड अप्लाई करेंगे और आप लोग टेस्ट में एक्सेस पा लेंगे, ठीक है। संडे को 4 PM को आपका टेस्ट होगा, इसके बाद 6 PM को आपका एनालिसिस होगा टेस्ट का, ठीक है। साबलू सर इस टेस्ट को करवाएंगे और आप लोगों को वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप लोगों को ये स्ट्रेटजी अपनानी है, आप लोगों अगर नहीं अपनाएंगे तो रीट के एग्ज़ाम में जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं समझिए एक गोल्डन चांस मिला है, सभी को फ्री टेस्ट यहाँ पे आप सभी को अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बाइक तो ले लेते हैं लेकिन उसका यूज़ भी नहीं करते। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, वो भी फ्री, अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर द्वारा तैयार की हुई, इसका लाभ जरूर लीजिए। वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, कोड अप्लाई करके एक्सेस पा सकते हैं आप लोग। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं आप लोगों को भी यही शंका लगी है कि 25 अप्रैल को आखिर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं रीट का एग्ज़ाम 31,033 शिक्षक भर्ती के जो देने जा रहे हैं, आप लोग बताते 25 अप्रैल को महावीर जयंती पड़ रही, जिसके कारण जो है यहाँ पे जितने भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं और यहाँ पे जो जैन समाज है इस एग्ज़ाम को 25 अप्रैल को होने से मतलब कि बिल्कुल भी मनाही कर रहा है। और जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है आप लोगों के पक्ष में है, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं काफ़ी सारे छात्र ये भी चाहते हैं कि हमारा अभी तक जो सिलेबस जो हमारा जो आपका पाठ्यक्रम है रीट एग्जाम को लेकर 2021 को लेकर अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है कई सारे कैंडिडेटों का, ठीक है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है, तो इतनी जल्दी एग्जाम लेने का वो भी दोस्तों 2 साल बाद यहाँ पे कैंडिडेट को एक मौका मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो पूरा अपना बेस्ट देना चाहता है। तो इसके लिए दोस्तों उसको थोड़ा टाइम भी चाहिए सिलेबस को पूरा करने के लिए। और अभी तो यहाँ पे आप लोग भी जानते हैं रीट की एग्जाम जो है बहाली को जनवरी में ही पता चला है कैंडिडेटों को कि रीट के एग्जाम की जो भर्ती है यहाँ पे आ रही है, सही में नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, तो वहाँ पे जनवरी से कैंडिडेट डेडिकेट होकर यहाँ पे तैयारी कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में ये पूरा सिलेबस कवर कर पाना एक बहुत ही समझिए कि चुनौतीपूर्ण कार्य भी होगा। तो इस कारण यहाँ पे काफ़ी सारे छात्रों की ये भी मांग है कि सिलेबस जो है इसको कंप्लीट कराने के लिए जो है आपका थोड़ा और टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट ये भी चाहते हैं कि जैन समाज का जो है आपका महावीर जयंती जो है बहुत ही एक पर्व है, ठीक है, एक जाना माना पर्व है जैन समाज का, तो इस कारण भी जो 25 अप्रैल को ही हो रहा है, तो रीट की परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आप लोग पूरा आर्टिकल देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट है आज की। और यहाँ पे आपके जो है गुलाब चंद कटेरिया ने CM और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर रीट के एग्ज़ाम डेट को बदलने की मांग की है, उन्होंने महावीर जयंती का हवाला देते हुए ये बात मतलब कि पूरा पत्र में कही है, ठीक है। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है। जितने भी हमारे कैंडिडेट ये चाहते थे कि थोड़ा सा और टाइम उनको मिल जाए, उनकी प्रिपरेशन अभी अधूरी है, तो एक अच्छी एक खबर है हमारे जितने भी रीट के कैंडिडेट उनके लिए। आगे जितनी भी अपडेट आएगी रीट एग्ज़ाम को लेकर आप सभी तक पहुँचा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।